कार मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप सामने देख रहे हैं मुकेश ठेकेदार को मुस्कुराते हुए, जाना पहचाना चेहरा है और सभी लोग जानते हैं, ठेकेदार के नाम से जाना जाता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भैया। भाई साहब किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाढ़ में क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या विकास की योजना बनाई है आपने? मेरा सबसे पहले मुद्दा रहेगा गड़िया फाटक से जो नगरी के लिए आते हैं, जो अतिक्रमण लगता है, जाम लगता है, मैं सबसे पहले मुद्दा मेरा यही रहेगा, अति वो जाम को मैं क्लियर कराऊंगा, ख़त्म कराऊंगा। और बाकी नगरी में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जो भी समस्या है छोटी, पानी की, बिजली की और बाकी जो सरकारी स्कूल की है, सरकारी हॉस्पिटल की है, यही सारे मुद्दे हैं, इसको मैं पूरा करूँगा। जैसे कि बाढ़ में कई समस्याएँ हैं, जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स की बहुत समस्या है और पानी भी उतरा हुआ है, कई जगह पानी नहीं है, कैसे आप मैनेज करेंगे बाढ़? पानी के लिए मैं प्रयास करूँगा अपनी सरकार से कि पानी की टंकी की व्यवस्था कराऊँगा और बाकी जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी मैं उसे ठीक कराऊँगा। तो आपको जो भाजपा ने टिकट दिया है, तो आप क्या कार्य करते चले आ रहे जो आप पे भरोसा जताया है? भाजपा ने मुझे टिकट दिया है तो मैं प्रयास करूँगा कि सभी वार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। तो आप समाज से भी रहे क्या? हाँ, मैं पहले से 15 साल से समाजसेवी रहा, एक बार सांसद भी रहा और मैं आगे मुझे कहीं जनता ने मौका दिया तो मैं खड़ा उतरूंगा। तो आपके परिवार ही के लोग आम आदमी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, खास भाई हैं, कैसे लड़ोगे? वो तो भैया ऐसा है कि अब हर घर में कोई ना कोई तो रहता ही ना किसी पार्टी में, मैं तो बीजेपी हूँ तो बीजेपी को खुला समर्थन करूँ। आपने समाज सेवा की जैसे बाढ़ में बताया जी, तो ऐसी कौन सी समाज सेवा एक आपकी अच्छी रही हो, एक आध नाम बताएं कि हमने जो समाज सेवा की? कोरोना काल में सर हमने घर घर जाके राशन बांटा और सैनिटाइजर कराया और लोगों की मदद भी की सर, और आगे भी मदद करते रहेंगे। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले क्या मूलभूत सुविधाएं बाढ़ में लाना चाहोगे, जो बाढ़ में सबसे ज़्यादा समस्या है जिस चीज़ की? समस्या सर यही है कि सरकारी हॉस्पिटल बनवाएंगे, सरकारी स्कूल बनवाएंगे और सरकारी नल लगवाएंगे, और जो भी छोटी मोटी समस्या है सर, जैसे मृत्यु सर्टिफिकेट, पानी और साफ सफाई, रिफॉर्म सारा पूरा करेंगे सर। धन्यवाद।